बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वृंदावन परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण करने पहुंची मथुरा के डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त शशांक चौधरी, साथ में मौजूद रहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा। वृंदावन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु वृंदावन की परिक्रमा में साफ सफाई एवं अन्य सुविधा के लिए मथुरा जिलाधिकारी, एसपी सहित अन्य जिलाधिकारी आज परिक्रमा पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा का निरीक्षण किया। साथ ही परिक्रमा में मिली खामियों को भी देखा और जल्द ही सुनियोजित तरीके से इसको दूर किया जाएगा। सभी अधिकारियों ने गोल्फ कार्ट में बैठकर परिक्रमा मार्ग बारी से निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने वृंदावन की टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में भी अधिकारियों के संग बैठक की। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा जिलाधिकारी ने बताया, देखिए बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विभिन्न दौरों पर इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। परिक्रमा मार्ग की स्थिति में सुधार की ज़रूरत है और जो देश विदेश से तमाम यहाँ परिक्रमा करने वाले हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, जिसमें कि एसएसपी साहब, इसके अलावा प्राधिकरण के वीसी साहब, नगर आयुक्त साहब, एक्सियन पीडब्ल्यूडी, एक्सियन इरिगेशन, एक्सियन जल निगम और बाकी बिजली विभाग, सभी विभागों की टीमों के साथ आज हम लोग खुद परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं। बेसिक दो तीन दिक्कतें हम लोगों के सामने आई, इस पर हम लोग काम करना है कि कुछ जगहों पर इंकोचमेंट लोगों ने कर रखे हैं। इधर ज़्यादातर इंकोचमेंट अस्थायी प्रवृत्ति के हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के नहीं है, तो उसको हम लोग आज ही से उस पर काम शुरू कर दिए। उसके अलावा साफ सफाई की कुछ समस्या है, कुछ ऐसे व्यवसाय परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं जो इसके हेरिटेज स्वरूप को देखते हुए उचित नहीं है, जैसे कि कई जगह वेल्डिंग मशीनों के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए काम करेंगे, उनको वहां से शिफ्ट कराया जाएगा। क्योंकि चूंकि परिक्रमा मार्ग जिसमें लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, उसको हेरिटेज रूट के रूप में हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। जो हमारे वृक्षारोपण हुए हैं उसको, जहाँ कुछ वृक्ष हमारे खराब हो चुके हैं उसको हम लोग डेवलप करेंगे। उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था, जो जल निगम ने काम किया है तमाम जगह काम करके, अभी उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, उसकी जो मरम्मत हो नहीं कर पाए हैं। कुछ जगहों पर हमारे ट्रांसफार्मर सड़क पर है या बिजली के पोल सड़क साइड में है, उसको शिफ्ट करने के, तो एक एक चीज़ को माइंडली आज हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि अगले 15-20 दिनों में जो कमियाँ आज संज्ञान में आई हैं इसको हम लोग। काफ़ी समय से डाली जा रही है लेकिन अभी तक बिल्कुल, देखिए सीवर लाइन के बारे में बात हुई, हमारे साथ एक्सियन जल निगम भी हैं, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि फरवरी के लास्ट तक हम सीवर लाइन का काम कंप्लीट कर देंगे और जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर रेस्टोरेशन का काम शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जब देखिए विकास होता है तो शुरू में थोड़ी असुविधाएँ होती हैं, शायद हम उसी फेज से भी गुजर रहे हैं, तो जल्दी ही उस समस्या का हम लोग निदान करें। सर, जो कच्ची परिक्रमा जो बनी है पूरे में जाते लोगों ने उसको पर्सनल, देखिए उसको हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्सियन साहब और वीसी साहब एमबीडीए भी हैं, हम लोगों ने देखा है, उसकी भी हम लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं, कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी की भी नहीं, लोगों ने कब्जा कर रखा है, कब्जा उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। सर, सर्दी के समय में कई लोग अभी भी परिक्रमा मार्ग में सड़कों पर रहने को मजबूर है। जी जी, इस बारे में देखिए जो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ सेट्स हम लोग दे दें, जिससे जो परिक्रमार्थी हैं जिनको रुकने की सुविधा है, जो सराय में या होटल में नहीं रुक सकते उनके लिए भी अभी हम लोग स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि उनको हम लोग रुकने की व्यवस्था। यमुना किनारे के घाटों पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी ओवर टावरिंग कच्चे घाट हैं, उनसे कैसाई गई है? हाँ, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बताना भूल गए, परिक्रमा मार्ग का जो 11 किलोमीटर का है अभी आज की डेट में लगभग 60 सफाई कर लगे हुए हैं, जिसको हम बढ़ा करके डबल कर रहे हैं और उसमें हम घाटों की सफाई भी शामिल। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।